बहुत लोग करोड़ों खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, मेरा तो फ्री में पब्लिसिटी हो रहा है, मेरा तो फ्री में पब्लिसिटी हो रहा है। तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है फेमस होने का, इतनी मतलब जो भी है यही है, मुझे इसी को बहुत ऊपर तक लेकर जाना। गर्मी में इतना बिक रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ठंड में क्या ही होगा, क्या होगा। पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर लगाई हुई है, लड़कियाँ ज्यादा पीने आ रही है या लड़के ज्यादा पीने आ रहे हैं? चाय, मेरी चाय टेस्टी है, फ्लेवर्स डिफरेंट है, पान चाय, मसाला चाय, चॉकलेट चाय। पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर लड़कियों का बहुत भीड़ है, हालांकि ये भीड़ हमेशा नजर आता है, लेकिन जब से चाय वाली ने चाय का स्टॉल लगाया है तब से ये भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग चाय वाली के साथ सेल्फी ले रहे हैं, कह सकते हैं कि चाय वाली अब फेमस सेलिब्रिटी हो गई है। अच्छी खासी एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, फिर भी गर्मी में ये चाय का स्टॉल क्यों लगाई है? आइए बात करते हैं, अभी इनका छुट्टी का समय हो गया, अब ये बंद करके जाने वाली हैं। चलिए ये बताइए, गर्मी में चाय क्यों? इंडिया एक ऐसा शहर है, मतलब ऐसा देश है जहाँ पे आप गर्मी हो सर्दी हो कोई भी मौसम हो चाय पीना लोग नहीं छोड़ते हैं। आप दिन में लगाती हैं, शाम में नहीं? मैं शाम में नहीं, शाम में अभी नहीं लगा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं शाम में लगाऊंगी। अभी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है उसकी। टाइमिंग क्या है अभी आपका? सुबह 6 बजे से ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक। 12-1 बजे? हाँ। तो भी 12-1 बजे काफी ज्यादा धूप हो जाता है, लोग चाय पी रहे हैं? डेफिनेटली पी रहे हैं, अभी मेरे पास और होता तो और पीता, अभी कस्टमर सब जा रहे हैं वापस। अच्छा, कस्टमर मेरे पास कुल्हड़ भी खत्म हो चुका है एंड दूध भी खत्म हो चुका है, पत्ती भी। मुझे पता नहीं था ना कि आज सीधे 2 दिन की सेलिंग एक ही दिन हो गई आज। हो गई आज? कितना दिन हो गया चाय लगाए हुए? ऑलमोस्ट ये तो मेरा शायद 4th डे है, बीच में 2-3 दिन का गैप पे, एक सप्ताह पहले से शुरू किया। अच्छा, पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर लगाई हुई है, लड़कियाँ ज्यादा पीने आ रही हैं या लड़के ज्यादा पीने आ रहे हैं? सब आ रहे हैं, सारे एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जानती है, दूर दूर से लोग आपसे मिलने आते हैं, सोचते हैं मिल भी ले और चाय भी पी ले। डेफिनेटली मेरी वजह से नहीं, जो भी है ये चाय है, मुझे चाय है। यानी आपको लगता है कि चाय में कुछ स्पेशल क्वालिटी है? चाय, मेरी चाय टेस्टी है, फ्लेवर्स डिफरेंट है, पान चाय, मसाला चाय, चॉकलेट चाय, ये थोड़ा अलग है मेरे स्टॉल पे। और लोगों को मैं कस्टमर सर्विस भी अच्छा दे रही हूँ, लोग मुझे इनकरेज भी करे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसे है चाय आपके यहाँ? फ्लेवर्ड चाय 20 रुपये गिलास है और कुल्हड़ चाय 15। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि लड़की होने के कारण आपका जो चाय है वो ज़्यादा चल रहा है? 2 दिन का सेल एक ही दिन में हो जा रहा है, अगर ऐसा है तो ठीक है ना। बिहार में शायद आप पहली लड़की, मेरे लिए ही प्रॉफिटेबल है ना, बीइंग अ बिजनेस वुमन, अगर बिजनेस के एंगल से देखा जाए तो ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी हो सकती है। हाँ, तो ठीक है। तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि पब्लिक सिटी स्टंट है फेमस होने का, इतनी पढ़ी लिखी लड़की भाई चाय क्यों बेच रही है, कोई कंपनी में जॉब करे तो। अच्छा ठीक है, कंपनी में जॉब कर लूँ, कितना देंगे सैलरी? 20,000-30,000 प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ की सेलिंग एवरेज सेलिंग देख लो, 3,000 रुपीज पर मंथ, तो पर डे 3,000 रुपीज पर डे। और प्रॉफिट, कैलकुलेट दैट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 1,500 आप हर दिन कमा लेते, डेली। आप उस पर कैलकुलेट कर लो, मैंने तो 3,000 बहुत कम बोला। अच्छा। या आज की सेलिंग मेरी हाइक होके 5,000 तक चली गई होगी। नहीं था, मुझे पता नहीं था ये इतना फेमस हो जाएगा, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मैंने सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर में आएगा, क्योंकि मैं उतना भी कुछ अलग नहीं करने जा रही हूँ, मैं एक चाय का ठेला ही तो लगा रही हूँ। चाय का ठेला आपके लिए डिफरेंट है, शायद लड़का यहाँ पर लगाता तो कोई नहीं आता, कोई मिलता नहीं, लेकिन लड़की है। मैम सुनिए, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, अनुभव दुबे, ही इज़ अ बॉय, वो लड़का है। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि लड़की हो इसीलिए ऐसा हो रहा है, अनुभव दुबे, प्रफुल बिलोरे, ये दोनों भी तो लड़के थे ना, आज कहाँ हैं ये? इनको भी वही सेम से ऐसा लगता है ना कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी बातों को लोग अब युवा फॉलो करने लगे हैं, इसीलिए चाय का स्टॉल लगा दी कि भाई सिर्फ चाय ही नहीं होता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा चाय, मेरा पैशन था चाय बनाना, तो मैंने इसको हाँ मैं घर पे भी बनाती थी। कहाँ से एजुकेशन की हुई है, क्या आपको क्वालिफिकेशन है? से हुई है, वाराणसी से मेरी एजुकेशन हुई है, 2019 में ग्रेजुएशन हुआ है इकोनॉमिक्स से, काशी विद्यापीठ वाराणसी। उसके बाद 2 साल बैंक एग्जाम्स की तैयारी की, वहाँ फेल हो गई, तो फिर ठीक है मैंने सोचा उतनी एनर्जी, उतना टाइम, उतनी मेहनत कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, चाय बेचना। यहाँ पे क्यों सोची पटना वुमेन्स कॉलेज के? क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती थी बहुत भीड़ होती थी, बहुत सारे स्टॉल्स थे लेकिन चाय का एक भी स्टॉल नहीं था। अगर बिजनेस करना है तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे ये बेस्ट लोकेशन लगा चाय का। मेन रोड बेली रोड में आपको मिल गया पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियाँ, ठंड में चाय बहुत बिकेगा? ठंड में मैम, गर्मी में इतना बिक रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ठंड में क्या ही होगा। क्या होगा?
हाँ। कहाँ की हैं आप? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की। पूर्णिया। हाँ। पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे, वीडियो देख रहे हैं आप, फेस को तो रिवील कर दी हैं आप। पहले नहीं पता था ना माँ बाप को, लेकिन ये एक हमारा बहाना होता है कि माँ बाप क्या कहेंगे, माँ बाप नहीं करने देंगे। तो मेरे भी माँ बाप, मैं सोचती नहीं करने देंगे, लेकिन ठीक है मैंने झूठ बोल के किया, लेकिन अब तो एक्सेप्ट कर लिया ना उन्होंने, एक्सेप्ट कर लिया, उनको प्राउड फील हो रहा है। हाँ यहाँ मैं हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल में रहती हैं तो अपना खर्चा तो निकल रहा है फिलहाल? मेरा खर्चा, मेरे खर्चा तो अभी तक पेरेंट्स ही दे रहे, क्योंकि अभी तो चार पाँच ही दिन हुआ है स्टॉल लगाए हुए, तो ठीक है। हाँ अब सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, पेरेंट्स से पैसे नहीं लूँगी। पेरेंट्स से पैसे नहीं ले रही है, तो कब तक ये करना है? लूँगी अभी तक तो, अभी तो ले रही है क्योंकि अभी शुरू हुआ है। कब तक करना है, क्या सोचिए, इससे आगे बढ़ना है? लाइफ है, मतलब जो भी है यही है, मुझे इसी को बहुत ऊपर तक लेकर जाना। चाय चाय का स्टॉल बहुत छोटा है, बड़ा मुझे आउटलेट लगाना है, पूरे इंडिया में मुझे आउटलेट लगाना है। अच्छा, तो कभी सोची थी या सडनली ये चीज दूसरे को देख करके दिमाग में आया? कुछ डिफरेंट करना था ये पहले से सोच के रखा था, कुछ अलग करना ये सोचा था। अच्छा। और बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो ये भी सोचा था कि खुद का कुछ करना है। बचपन से बिजनेस देखा है मैंने, मेरे फैमिली में सब बिजनेस में सेटल्ड है। चाय का जो भी है, मुझे एक बंदे ने बहुत इंस्पायर किया, प्रफुल्ल बिलोरे ने, तो वहीं से एक आइडिया है कि नहीं मुझे भी चाय का ठेला। बड़ी बात ये है कि कोई गरीब घर से नहीं है, मिडिल क्लास अच्छे फैमिली से है, और चाय बेचने का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। हालांकि चाय बेच करके लोग बहुत कमा रहे हैं, बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, आजकल लोग सोशल मीडिया बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। चाय ऐसे में बेच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हर दिन मतलब 10-15-20 मीडिया वाले इनके पास आते ही होंगे, डिस्टर्बेंस होती है? 15-20 से भी ज़्यादा आते हैं। आते हाँ, थोड़ा तो डिस्ट्रैक्शन होता है, बट ठीक है, मीडिया की ही वजह से मेरा कहीं ना कहीं इतना पॉपुलर हुआ है। तो फिर आपका जो है, हम लोग फ्री में ऐड कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत लोग करोड़ों खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, मेरा तो फ्री में पब्लिसिटी हो रहा है।